गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 9 सितंबर शनिवार 2023 श्री शुभ संवत 2080 शक संवत 1945 भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी तिथि। सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, आद्रा नक्षत्र शाम 5:11 तक, तदुपरांत पुनर्वस नक्षत्र, दिशा सूर्य, पूर्व दिशा परिहार आद्रा। कहने का मतलब ये है, आद्रा नक्षत्र 5:11 तक शाम को पे खत्म हो जाएगा और 5:11 के बाद में पुनर्वस नक्षत्र लग जाएगा। और आज आपके लिए पूरब की दिशा अशुभ है। अगर आपको पूरब की दिशा की यात्रा करना की आवश्यक है तो आप अदरक खाकर यात्रा प्रारंभ करते हैं तो यात्रा में कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक, यमगंड काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा किसी यात्रा का प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप राहु काल में ये दोनों काम न करें, क्योंकि राहु काल में ये काम करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपको शुभ काम का प्रारंभ करना है अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए यात्रा पर निकलना है तो आप गुलिक काल में ही यात्रा भी प्रारंभ कर सकते हैं अथवा किसी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम आपको राशि परिचय के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि ज्ञात करें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें इस प्रकार समझें। जैसे कि प्र से बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे प्रीति है, प्रियंका है, तो प्र से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, प्र को आप पास से लेंगे। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्र होता है, और त्र से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे कि त्रिभुवी है, त्रिवेणी है, तो आप त्र से भी परेशानी न महसूस करें, त्र को आप ता से देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञ होता है, और ज्ञ से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे कि ज्ञानवती हैं, ज्ञान सिंह हैं, तो आप ज्ञ से परेशान न होइए, ज्ञ को आप घर से देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर एक अक्षर और भी होता है जिससे हम लोग भली भांति परिचित हैं, श्रा। श्रा से भी बहुतों के नाम हुआ करते हैं, जैसे कि श्रवण कुमार, श्री राम, तो श्रा को आप दिक्कत न महसूस करें, श्रा को आप सा से देखें। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें आपको राशि फल और राशि परिचय दोनों की साथ साथ जानकारी कराते चलेंगे। फिर भी कहीं पे हमारी कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेष राशि में आने वाले अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। मेष लग राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, भाग्योदय होगा, परिश्रम के द्वारा सफलता मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं, भाई बहन का सहयोग भी मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी लाभ होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय गुड़ का दान करें। वृषभ राशि में आने वाले अक्षर ई, ऊ, ए, ओ, बा, बी, बू, बे, बो।
विष्णु लिंगराज की जात को आज का दिन आपके लिए समान रहेगा। भाई बहन योग पराक्रम द्वारा धन लाभ होने के योग दिख रहे हैं, परंतु कुटुंब के द्वारा कुछ मन अशांत रहेगा। आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का भी लाभ मिलेगा। विशेष उपाय महिलाओं का सम्मान करें। मिथुन, मिथुन राशि में आने वाले चर का ई कु घा अंगा छा के को हा। मिथुन लग्न राशि के जातकों आज का दिन शुभ है, धन लाभ होने के योग दिख रहे हैं, मन प्रसन्न रहेगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार अच्छा रहेगा। विशेष उपाय किन्नरों की बद्दुआ मत लें। कर्क, कर्क राशि में आने वाले अक्षर ई ऊ ए ओ डा डी डू डे डो। कर्क लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अशुभ है, मानसिक चिंता बढ़ने के योग दिख रहे हैं, अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं, परंतु बाहरी स्थानों से आपको मदद मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय अपनी माँ और सासू माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। सिंह, सिंह राशि में आने वाले अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू टे। सिंह लग्न राशि के जातकों आज का दिन समान रहेगा, आय व्यय की मात्रा एक समान होगी, विद्या का लाभ में कुछ कमी रहेगी, संतान से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय अपने ससुर जी का और पिताजी का सम्मान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या, कन्या राशि में आने वाले अक्षर टो पा पी पू खा रा ठा पे तो। कन्या लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए सुंदर है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, माता का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। विशेष उपाय बहनों का सम्मान करें। तुला, तुला राशि में आने वाले अक्षर रा री रु रे रो ता ती तू ते। तुला लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए शुभ है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य में उन्नत होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, भाई बहन का सहयोग भी प्राप्त होगा। विशेष उपाय जले कटे फटे वस्त्र न पहने। वृश्चिक, वृश्चिक राशि में आने वाले अक्षर तो ना नी नू ने नो या ई। वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज के दिन आपके लिए साधारण रहेगा, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग्य में बाधा पड़ेगी, घर परिवार का आपको सहयोग मिलेगा और धन का लाभ भी होता रहेगा। विशेष उपाय ओम अंगारकाय नमः मंत्र का एक माले का जप करो। धन, धन राशि में आने वाले चर ये यो बा बी बो गा फा रा मे। धन लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए समान रहेगा, रोजगार मंदा रहेगा, पति पत्नी में मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, परंतु आप प्रसन्न रहेंगे। विशेष उपाय ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का एक माले का जप करें। मकर, मकर राशि में आने वाले अक्षर भो जा जी की कु के को गा गी। मकर लग्न राशि के जातकों सावधान हो जाइए, आज खर्चा अनावश्यक बढ़ेगा, दुश्मन आप पर हावी होने के प्रयास में है, आमदनी कम हो जाएगी, पति पत्नी में भी मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, रोजगार मंदा रहेगा। विशेष उपाय सरसों के तेल का दान कर। कुंभ राशि में आने वाले चर गु गे गो सा सी सु से सो दा। कुंभ लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए समान रहेगा, संतान से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, विद्यार्थियों को विद्या के लिए विशेष मेहनत करना पड़ेगा, आमदनी प्रभावित रहेगी। विशेष उपाय भैंसे के
गोबर का दीपक बनाकर सरसों के तेल का दीपक जला। मीन, मीन राशि में आने वाले अक्षर दी, दू, था, या, निया, दे, दो, चा, ची। मीन लग राशि के जातकों, आज के दिन आपके लिए सुंदर है, संतान से सहयोग मिलेगा, माता से भी आपको सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको लाभ होने के योग दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा दिन है। विशेष उपाय, पुत्रों का सम्मान करें। अगर आप अपने राशिफल में ज्यादा सटीकता चाहते हैं तो आप अपने राशि को लग्न से दें, और अगर आपको अपने लग्न की जानकारी नहीं है तो हमसे संपर्क करके आप अपने लग्न की जानकारी कर सकते हैं, जिसका कि हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, यानी लग्न बताने कोई हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। हमारे इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। आवश्यक सूचना, हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 98072523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर के सामने पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता।